हेलो फ्रेंड, मैं विकास, आपको स्वागत करता हूँ नो कॉन्फ्यूज सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और पास में थे बेल आइकन को दबा लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो PCC फाउंडेशन लो हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्यों साइन देते हैं, क्यों, व्हाट इज़ द पर्पोज। तो आज का टॉपिक है, व्हाट इज़ द पर्पोज ऑफ लेइंग सैंड बिलो द फाउंडेशन PCC, बिलो द फाउंडेशन PCC। तो पहला स्टेप हमारा पर्पोज वन होता है क्या, ना फॉर यूनिफॉर्मिटी। क्या है ना, इफ द फाउंडेशन सॉइल हैज मोर क्ले एंड सिल्ट कंटेंट विथ वाटर, रिवर सैंड इज यूज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मली फॉर द फाउंडेशन बेड, स्पेशली फॉर PCC बेड। हम लोग क्यों देते हैं ना, नीचे हम लोग जब PCC करते हैं, नीचे क्या होता है ना, सॉइल होता है, सिल्ट कंटेंट भी होता है, वाटर भी होता है। इसीलिए इसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सैंड का एक लेयर देता है। उसके बाद हमारा पर्पज़ टू क्या आता है ना, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। मिनिमाइज द रेजिस्टेंस क्या होता है ना, जो हमारा यार्ड को क्या आ गया, तो हम लोग क्या होगा ना, जो नीचे हमारा सैंड रहेगा तो यार्ड को मिनिमाइज कर देगा। रेजिस्टेंस पावर होता है, मतलब तुम देखोगे एक सैंड में तुम जितना भी क्रैक, मतलब सैंड में क्रैक नहीं आता है, कहते हैं ना सैंड में क्रैक नहीं आता है। इसलिए क्या होता है ना, इफ़ द फुटिंग इज प्लेस डायरेक्टली ऑन द रॉक बेड, इवन ए स्मॉल सेंसिबल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन ऑन यार्ड ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक विल मेक द स्ट्रक्चर कोलैप्स, सैंड इज यूज मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। मतलब हमारा जब अर्थक्वेक आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ना, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्यों देते हैं ना, जो यार्ड कोई को रेजिस्टेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सैंड को हम यूज करते हैं। तो पर्पज़ थ्री में क्या आएगा ना, टू मिनिमाइज द वीक स्पॉट। हमारा जो वीक स्पॉट होता है, मतलब हमारा मिट्टी में हम लोग जब फाउंडेशन करेंगे, मिट्टी के अंदर क्या रहता है, कीड़ा वगैरह रहता है, तो ये वो क्या करेगा ना, स्ट्रक्चर को आने के लिए ट्राई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग बालू देंगे तो क्या होता है, हमारा जो मिट्टी के अंदर जो टर्माइट रहता है, वो टर्माइट कभी भी मिट्टी जब रहेगा तो मिट्टी के अंदर वो क्या करेगा, इजीली होल करके ऊपर आ सकते हैं। बट सैंड में ऐसा नहीं होता है। आप लोग देखिए, एक सैंड में आप होल करने के लिए, होल करने से क्या होगा ना, उसका आसपास जो बालू रहता है ना, उसको वो होल को फिल करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए जब टर्माइट जब होल करने के लिए मतलब ट्राई करेगा, वो क्या होगा ना, जब मिट्टी रहेगा तो तब इजीली आ सकता है। बट बालू रहेगा तो क्या होगा ना, बालू फिलअप हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या होगा ना, वो टर्माइट, वो एंटी टर्माइट का जैसे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ऐसे ही हम लोग को वो क्या करता है, हमारा ना वीक जो स्पॉट होता है ना टर्माइट का, टर्माइट एंट्री के लिए वो क्या करता है ना, स्टॉप कर देता है टर्माइट को। क्या ना, इवन थ्रो वी यूज एंटी टर्माइट एंड फाउंडेशन, देज मे बी सम वीक स्पॉट्स फॉर टर्माइट एंट्री। दिस इज वन ऑफ द सीजन व्हाई वी सैंड विथ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट बिलो द फाउंडेशन। हमारा जो एंटी टर्माइट, टर्माइट जो होता है ना, वो टर्माइट की रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सैंड को यूज करते हैं। सैंड को इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा कीटा वगैरह सब कुछ इजीली मिट्टी में, हम लोग देखेंगे मिट्टी के अंदर और कोई चीज़ कीड़ा वगैरह हम लोग मतलब इजीली आ सकते हैं, बट बालों के अंदर ये इजीली नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी फाउंडेशन करते हैं, पहले क्या करते हैं, सैंड का एक लेयर देते हैं, उसके बाद PCC करते हैं, उसके बाद हम लोग फाउंडेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में थोड़ा बेल आइकन को दबा लेना। जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।